रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलामा इकबाल पब्लिक प्राइमरी स्कूल कसूर क्लास 5। स्टूडेंट आज हमारा मैथ का लेक्चर नंबर 8 है और इसमें हम क्वेश्चन 24 सॉल्व करेंगे। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल, ये हमें उन्होंने कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ की मदद से हमने एक ट्राइंगल बनानी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उससे आपने पैमाने की मदद से नीचे लाइन लगा लेनी है। 6 सेंटीमीटर की हमने लाइन लगाई, उसके बाद आपने एक कंपस लेनी है। कंपस से आपने क्या करना है, पैमाना लीजिएगा, पैमाने से कंपस को माप लीजिएगा 4 सेंटीमीटर तक। फिर आपने यहाँ पर कंपस रख कर एक आर्क लगानी है, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली आपने कंपस लेनी है और उसे पैमाने से नापना है 5 सेंटीमीटर तक। फिर आपने क्या करना है, इस पॉइंट पर रख कर यहाँ पर एक आर्क लगानी है। फिर इस एल को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपने मिला देना है, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देना है, ठीक है। और इनकी यहाँ पर हमने वैल्यूज़ लिख देने, इस पॉइंट को हम एन का नाम देंगे और ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 25। कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास, रूलर एंड प्रोटेक्टर विद द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। लेंथ उन्होंने दी हुई है और जो उसकी ब्रीथ है वो 3 सेंटीमीटर है, लेंथ 5 मीटर है। उन्होंने हमें कहा है कि आपने एक मुस्ततील बनाना है अपने पैमाने की मदद से, कंपास की मदद से और प्रोटेक्टर की मदद से, जो लेंथ और ब्रीथ उन्होंने दी हुई है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 5 सेंटीमीटर की जो अपने रूलर है पैमाने की मदद से एक लाइन लगाएंगे और इस लाइन को हम इन पॉइंट को नाम दे देंगे, इसको ए पॉइंट कह देंगे और इसको बी पॉइंट कह देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर को इधर रखेंगे और देखेंगे 90 का एंगल कहाँ बन रहा है। हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे, फिर बी पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ पर भी देखेंगे 90 का एंगल कहाँ बन रहा है। फिर हम यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे, इस डॉट को, इस पॉइंट को इस डॉट के साथ मिला देंगे और इस पॉइंट को इस डॉट के साथ मिला देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपनी कंपास लेनी है और उसको स्केल पर से 3 सेंटीमीटर तक नाप लेना है। नापने के बाद हमने यहाँ पर रखनी है और एक आर्क लगानी है, ठीक है। फिर आपने बी पॉइंट पर रखनी है और यहाँ पर एक आर्क लगानी है। आर्क लगाने के बाद आपने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देना है स्केल की मदद से, और इस पॉइंट को हमने डी नाम दे देना और इस पॉइंट को सी नाम दे देना। इस तरह हमारी एक जो रेक्टेंगल है वो बन जाएगी। स्टूडेंट्स आपने ये क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा ताकि ये आपको अच्छी तरह आ सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।